हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टेस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। आज की वीडियो में मैं आपको गूगल प्लस के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ टाइम बाद ही गूगल प्लस का प्लेटफॉर्म बंद होने वाला है। गूगल ने उसको ऑफिशियली बता दिया है। यहाँ पे विकिपीडिया में आप देख सकते हैं, ऑन अप्रैल 2, 2019 गूगल प्लान्स टू स्टॉप ऑफरिंग द कंज्यूमर वर्जन ऑफ गूगल प्लस। तो ये गूगल प्लस जो है बंद होने वाला है। अब जब ये बंद होने वाला है तो यहाँ पे किसी काम का नहीं है। आपकी वेबसाइट में इसके लिंक का होने का कोई मतलब नहीं है। अगर है तो उसको आपको हटाना होगा, चाहे वो आपकी नॉर्मल वेबसाइट हो, चाहे फिर आप किसी ब्लॉगर पे काम करते हो। अगर आप ब्लॉगर की डिफॉल्ट थीम यूज़ कर रहे हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो गूगल ऑटोमेटिक वहाँ से रिमूव कर देगा। बट अगर आप कोई कस्टम थीम यूज़ कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट में जितने भी गूगल प्लस से रिलेटेड लिंक्स हैं, वो आपको मैनुअली रिमूव करने पड़ेंगे। सो अब ये लिंक्स को रिमूव करना कंपलसरी हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पेज अब नहीं वर्क करेगा। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आपको क्लाइंट आता है और वो गूगल प्लस के पेज पे क्लिक करता है और वहाँ पे जब कुछ ओपन नहीं होगा, तो आपकी वेबसाइट की भी रेपुटेशन इससे ख़राब होती है। तो अब बात आती है कि ब्लॉगर अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो। चाहे आपका गूगल पेज का लिंक हो, चाहे फिर वो आपका पोस्ट को जो आप गूगल प्लस पे शेयर करने वाला बटन होता है उसको, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये गूगल प्लस के जो लिंक है, अगर आपको ये यहाँ से हटाने कैसे हटाओगे, या फिर पोस्ट के एंड में जो आप लोग बटन होते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या फिर प्रिंटर, जितने भी आते हैं, ये इसमें अभी गूगल प्लस का भी आ रहा है, इसको अगर आपको रिमूव करना है तो आप कैसे इसको रिमूव कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो आपको ये बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सोच, बहुत ही केयरफुली इस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोड डिलीट कर दिया या गूगल प्लस के बटन के साथ रिमूव कर दिया, तो आपकी वेबसाइट का जो टेम्पलेट है उसका डिज़ाइन टोटली बिगड़ सकता है और ख़राब हो सकता है, फिर इसको संभालने में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ यही बताने वाला हूँ कि इस बटन्स को, जो गूगल प्लस का जो शेयरिंग का बटन है, इसको कैसे रिमूव किया जाता है, और आपके जो टॉप पे जो बटन आ रहे हैं, इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। और अगर अभी आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आप लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचा सकूं। सबसे पहले आपको ब्लॉगर के अपने डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको ये लेआउट का सेक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको ये सोशल मीडिया आइकन का सेक्शन दिख रहा है। हर थीम का अपना अलग अलग डिज़ाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो आपका सेक्शन होगा आइकन का, वो फाइंड करना होगा और वहाँ से उसको रिमूव करना होगा। जैसे ही मेरे गूगल प्लस का है, मैं इसको सिंपली डिलीट करूँगा, सेव करूँगा। अब मैं अपनी वेबसाइट पर जाकर इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक करूँगा ये रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से ये रिमूव हो चुका है। अब बात आती है कि मुझे अपनी पोस्ट में से ये जो शेयरिंग का बटन है, इसको हटाना है, तो मैं इसको कैसे हटा सकता हूँ। इसके लिए मुझे सिंपल मेरी थीम्स में आना है। थीम्स में आने के बाद एडिट एचटीएमएल पे आना है। मगर इस कोड पे कुछ भी चेंजेस करने से पहले मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी थीम का बैकअप एक बार ले लो। तो मैंने थीम का बैकअप ले रखा है, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, बट आप थीम का बैकअप लेके ज़रूर रख लेना, ताकि अगर आपसे बाई मिस्टेक कोई कोड एक्स्ट्रा डिलीट हो जाए, तो आपकी वेबसाइट ना बिगड़े। अब आपको यहाँ पर सिंपल कंट्रोल एफ करना है, प्लस डॉट गूगल आपको यहाँ पर लिखना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद अब आपको यहाँ पर लिंक फाइंड करने हैं कि गूगल प्लस के जो भी लिंक आ रहे हैं, वो कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पांच लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन के। ये शेयरिंग बटन वाले ही हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं इसको यहाँ से आराम से रिमूव कर सकता हूँ। मगर आपको अगर नहीं पता होगा, बाय चांस हो सकता है कि आप कोई गलत लिंक कॉपी करके उसको रिमूव कर दो, तो इसके लिए काम करना, जब आपको लगे कि यही है, इसको आप कॉपी कर दो, देन डिलीट करना, एंड आप इसको सेव करके अब अपनी वेबसाइट पर एक बार रिफ्रेश करके देखोगे आप। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा जो गूगल प्लस का शेयरिंग बटन आ रहा था, वो रिमूव हो चुका है। बट कुछ थीम्स में ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट टाइम में ये जो कोड है ना मिले, आपको फिर यहाँ पे दोबारा सर्च में आके उसको सर्च करना होगा, एंटर दबा के। यहाँ पे हो सकता है आपको और भी लिंक मिले, मगर ये ज़्यादा नहीं होंगे, 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मेरी थीम में भी 2-3 थे, मगर जो मेरा फर्स्ट मैंने कैच कर लिया था, जो मेरा फर्स्ट लिंक था, वही मेरा शेयरिंग बटन था, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया है। हो सकता है कि आपका फर्स्ट ना हो, आपका सेकेंड या फिर थर्ड हो। आपको 1 बाय 1 एक एक करके चेक करना पड़ेगा, और अपनी वेबसाइट पर आकर चेक करना होगा कि आप जो कोड हटा रहे हो, वो शेयरिंग का हटाया है या किसी और का हटाया है। जब आपको लगे कि हाँ, शेयरिंग का हट चुका है, तो आपका ये वेबसाइट वाला काम डन हो जाता है। आपके टॉप से गूगल प्लस हट चुका है, आपके जो बॉटम में अगर हो, तो आपको बॉटम में भी चेक कर लेना। मेरे बॉटम में नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ से नहीं हटाया, और यहाँ से हम पोस्टिंग वाले पेज से ऑलरेडी हटा चुके हैं। इतना काम करने के बाद आपको एक छोटा काम और करना है। आपको आपकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपकी यूज़र सेटिंग में आपको जाना है, एंड यूज़र सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपली अभी गूगल प्लस यहाँ पे एक्टिव है, इसको आपको ब्लॉगर कर देना है और सेव सेटिंग पे क्लिक करना है।
सेव सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ही आपको पूछेगा स्विच टू ब्लॉगर प्रोफाइल, या फिर पूछेगा आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे आपको नाम डालना होगा जो भी आप डिस्प्ले नेम शो रखने जाते हो, और कंटिन्यू टू ब्लॉगर पे क्लिक करना है सिंपल। सो अब आपने सिंपली अपनी वेबसाइट से गूगल प्लस के जितने भी आइकन थे, या फिर जो भी आपकी यूज़र प्रोफाइल थी, या फिर जितनी भी आपकी चीज़ें थी, आपने सारी रिमूव कर ली हैं सक्सेसफुली। सिर्फ इतना ही काम आपको करना है अपनी वेबसाइट में गूगल प्लस की सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए। तो आई होप आपको ये सब कुछ बहुत आसानी से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।